नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम कोस्ट गार्ड के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कोस्ट गार्ड की। तो दोस्तों, ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसका हम अनुमान लगाकर आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़ी एयरफोर्स, नेवी, NDA, कोस्ट गार्ड से जुड़ी आप ऐसी कई वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसको वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज बात कर रहे थे हम कोस्ट गार्ड के मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होता है 80 नंबर का। उस 80 नंबर में से यदि आप 40 मार्क्स लाते हैं तो आप PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपको 1600 मीटर का रन करना होता है 7 मिनट्स में। यदि आप इसको पास कर लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका वहाँ पर बायोमेट्रिक लिया जाता है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको वहाँ से छुट्टी मिल जाती है और अगले, मतलब कि मेडिकल से पहले, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि मेडिकल के लिए जिन बंदों को बुलाया जाएगा उनको ईमेल ID पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उससे पहले एक मेरिट लिस्ट जाती है। वो मेरिट लिस्ट यदि आपके 60+ मार्क्स हैं तो आप उस मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपके 60+ मार्क्स है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तब आपका मेडिकल लिया जाता है। तो मेडिकल मेडिकल के बाद यदि आप मेडिकल में आप बिल्कुल फिट हैं तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपको 65+ मार्क्स के बंदों को लिया जाता है। दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है, इसको एक अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि इतनी जा सकती है। और बच्चों का हिसाब भी देखा जा सकता है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग मेरिट जाती है। तो उसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट जाती है 65 तक जाती है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए चिल्का भेज दिया जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपको कोस्ट गार्ड के सिलेबस और एग्ज़ाम के टिप्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।